Consider the following grammar and find the first and first of non-terminals. Okay? अगर आप इस ग्रामर को ध्यान से देखें तो ये ग्रामर नॉर्मल ग्रामर नहीं है, इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है. ओके, अगर 16th क्वेश्चन को कंसीडर करें या 17th, दोनों ही ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है. ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, मींस जनरली ऐसा कई बार मैंने इसमें देखा है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि चूंकि LL1 पार्सर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करता है. ओके, एंड देयरफॉर क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं कि अगर ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है तो उसका लेफ्ट रिकर्जन पहले रिमूव करो एंड देन फाइंड फर्स्ट फॉलो एंड क्रिएट द LL1 पार्स टेबल एंड ऑल दैट. ओके, यस, वो बात सही है. ओके, मींस अगर इस ग्रामर से बनी हुई जनरेट की हुई स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग्स के लिए आपको टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर या प्रेडिक्टिव पार्सर बनाना है तो आपको इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना पड़ेगा. ओके, लेकिन अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फाइंड द फर्स्ट एंड फॉलो, अभी आगे एक फॉलो का कॉन्सेप्ट आएगा, अभी हम फर्स्ट की बात करते हैं. अगर फर्स्ट इसमें सिंपल ग्रामर में ऐसे गिवन है और इसमें फर्स्ट फाइंड करना है, देन आपको यू आर नॉट सपोज टू मॉडिफाई द ग्रामर. ओके, जैसे ग्रामर गिवन है वैसे ही ग्रामर में आपको फर्स्ट या फॉलो निकालना पड़ेगा. ओके, तो यहां पर दो मींस जो अब तक हमने फर्स्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही अप्लाई करना है. ओके, बस एक जगह पर ध्यान देने की नीड होगी तो वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. अगर मैं इस ग्रामर को कंसीडर करूं तो जो इसमें नॉन टर्मिनल यूज हुए हैं वो एक है कैपिटल एस, दूसरा है कैपिटल एक्स और तीसरा है कैपिटल वाई. ओके, तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ क्या, कैपिटल एस, फर्स्ट ऑफ कैपिटल एक्स और फर्स्ट ऑफ कैपिटल वाई. अप्रोच क्या मैंने बताई है, बॉटम टू अप कंप्यूट करो फर्स्ट, हमेशा आपको आसान रहेगा. तो एक्स में अगर एक्स का कंप्यूट करना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एक्स का प्रोडक्शन डिराइव क्या कर रहा है. तो एक्स का प्रोडक्शन सिर्फ ए डिराइव कर रहा है, जितनी भी स्ट्रिंग है केवल एक ही स्ट्रिंग है और वो भी स्टार्टिंग ए से. सिमिलरली इसका फर्स्ट बी होगा. अब बात करते हैं एस की, क्योंकि जो लेफ्ट रिकर्जन है वो यहीं पर है. ओके, एस डिराइव्स एस एक्स. तो अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है और कंफ्यूजन कहां पर होता है, आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ, ये जो आप पूरा इतना भी कह सकते हो फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू इसका पूरे का फर्स्ट. ओके, तो इसके पूरे का फर्स्ट को जब कंप्यूट करने जाओगे तो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑफ एस की बात करनी पड़ेगी, और चूंकि फर्स्ट ऑफ एस ही तो कंप्यूट कर रहे हो तो ये तो पूरी पूरी की पूरी स्टोरी क्या हो गई, स्टक हो गई, लूप एक तरह का बन गया कि आपने कहा फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस एक्स इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस, तो अल्टीमेटली वो वही स्टोरी इनफाइनाइट टाइप का लूप हो गया. तो क्या कहता है कि अगर लेफ्ट रिकर्जन दिख रहा है फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस है, इसका सिंपल केवल इतना मतलब है कि इस प्रोडक्शन से अगर यहां पर बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी है, कोई नल प्रोडक्शन एक्स या वाई डिराइव नहीं कर रहा है या एस नल नहीं डिराइव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपको एस डिराइव्स एस एक्स से फर्स्ट नहीं मिलेगा, इग्नोर इट. और देखो कोई चॉइस है क्या, एस डिराइव्स वाई. ओके, और वाई डिराइव्स क्या, बी. तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ वाई, और फर्स्ट ऑफ वाई हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, वो क्या है, बी. तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ एस में क्या आ गया, बी आ गया. ओके, अब क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है,
कम से कम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एंड देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट फॉर नॉन टर्मिनल्स ऑफ दिस ग्रामर। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। चूंकि ये ग्रामर मैंने इसी ग्रामर में सिर्फ इतना मॉडिफाई किया है कि जो यहां पर एक्स, सिर्फ यहां पर ए और बी एक्स और वाई डिराइव कर रहे थे, यहां इन दोनों को मैंने एप्सिलॉन भी डिराइव करवाया, द ओनली चेंज। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या सिनेरियो रहेगा। ओके, देखते हैं। तो पहली चीज एक्स और वाई का हम निकालेंगे, तो यहां पर ये एप्सिलॉन आ जाएगा और यहां पर भी ये एप्सिलॉन आ जाएगा। ओके, अब एस की बात करते हैं कि एस का फर्स्ट कैसे निकलेगा। एस डिराइव्स एस एक्स, तो यहां तो फिर से लेफ्ट रिकर्जन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एस, कुछ नहीं मिलेगा। तो एस डिराइव हम क्या जाएंगे, वाई। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ वाई। तो वाई का फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, तो वो क्या है, बी और एप्सिलॉन। ओके, अब अगर आप देखें कि जो यहां पर वाई में तो ये आ चुका है, अब इसका मतलब है इस तरह से देखना, एस डिराइव्स वाई एंड वाई डिराइव्स एप्सिलॉन। इसका मतलब चूंकि एस के फर्स्ट में एप्सिलॉन आ चुका है, इसका मतलब ये एप्सिलॉन यहां भी रखा जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, चूंकि s derives y और y derives b and epsilon, तो इसका मतलब y epsilon derive कर रहा है, इसका मतलब epsilon यहां पे भी लिखा जा सकता है, तो s derives epsilon। तो अगर s epsilon derive कर रहा है तो वो epsilon इस जगह पे भी तो लिखा जा सकता है। और अगर ये केस हुआ तो उस केस में यहां epsilon x, इसका मतलब epsilon will be absorbed by x, तो s derives x production बन जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एक्स होगा, और एक्स क्या डिराइव कर रहा है, ए और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऑलरेडी है, तो यहां पर क्या किया जाएगा, सिर्फ ए मेंशन किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये फर्स्ट है इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर का। ओके, एंड दैट्स डन।